दोस्तों आज इसके ऊपर जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जगह है जेट। इस पर ऐसा थोड़ा टेढ़ा नाम होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, अपने को इतना इंग्लिश भी नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का लोकेशन है, दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, यदि आप जो है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कृषा का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में, और आज चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि आज मौसम साफ है और जो है कि धूप भी चकाचक है। तो आज चलते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और नीचे का व्यू देखिए, तो सीढ़ियों से चल रहे हैं आज। मैं दिखाता हूँ कहाँ चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक केबल कार जाती है पर हम नहीं जाएंगे उससे। तो अपन पैदल ही चलेंगे। अपन पैदल ही चलेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है चढ़ने में। तो गुड़वा भरा गल मतलब यार गड़बड़ होगा, लोग तो दिखाई ना पानी। तो बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का देखने को। तो दोस्तों जो है कि धूप बहुत चकाचक है, तो यहाँ से इसके ऊपर से जो है क्रोशिया का लोकेशन बहुत बढ़िया दिखेगा, तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों बहुत यहाँ का लोकेशन अच्छा है, पर हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए, थोड़ा ही दूर गए, वापस यहाँ से चलेंगे। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा ऊंचाई पे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप थोड़ा सा घूम सकते हैं। जागरेब के अंदर ही है, सेंटर के पास ही है, और बहुत अच्छी जगह है। तो जो बंदा, जो दोस्त यहाँ पे यदि क्रोशिया में आता है, जागरेब में आता है, तो यहाँ पे आना चाहिए उसको, यहाँ पे आके घूमना चाहिए उसको, देखना चाहिए यहाँ का रौनक कैसा है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रौनक है, बहुत सुंदर है, यहाँ का लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोग और दिखाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट आके यहाँ का जो कि रौनक बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। साथ ही इन लोग, तो इन लोगों को भी दिखाना है, घुमाना है, और बाकी यहाँ से देखिए ये पूरा दिखेगा। ठीक है, और साथ में ये सब टूरिस्ट हैं। तो आज सीढ़ियों पे से उतरना बहुत, चढ़ना भी लंबा है, उतरना भी लंबा है। तो आज पूरा मूड था, प्लानिंग था घूमने के लिए जागरेब सिटी में, पर पूरा हो नहीं पाया क्योंकि क्योंकि टाइम नहीं मिलता भैया, अपने पास थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, आज इसके अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो दोस्तों आज है टनल के अंदर, और टनल में देखते हैं कितना लंबा है टनल है। आवाज़ इसमें गूंज रही है, तो
इसके अंदर घुस गए हैं और देखते हैं कितना लंबा है और आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, क्या बात है? थोड़ा तो काफी लंबी है, देखते हैं कहाँ निकलता है, इस छोर से और किस छोर तक निकलता है। तो थोड़ा सा अंधेरा है पर यहाँ पे कई रूट हैं यहाँ जाने के लिए। तो अभी आगे वाला जो टनल है बहुत सुंदर दिखने वाला है और इसमें थोड़ा सा पुराना है और इधर से भी एग्जिट है, यहाँ से भी जा सकते हैं और इधर तो बड़ा आ गया। ठीक है, और ये देखिए ये टनल जो है थोड़ा सा हैवी बड़ा चौड़ा बना हुआ है। ये अपना ये अपनी पार्टी पूरी टीम इधर से सुरंग शुरू होती है और लास्ट तक लगभग 1 किलोमीटर है और हम इसके साथ आगे बाहर